उत्तर प्रदेश रायबरेली, रायबरेली बछरामा, पुरानी रंजिश के चलते युवक की गई जान। दो मासूम बच्चियों के सिर से उठा पिता का साया। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पीट पीट कर मार डाला। बछरामा रायबरेली, बछरामा क्षेत्र के अंतर्गत दुलमपुर गांव में मृतक शशि मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद उम्र 30 वर्ष होली से पूर्व प्रदेश कमाकर गांव आया था। प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर उनकी जांच भी कराई थी। जांच में कोई लक्षण नहीं मिला था, फिर भी पुरानी रंजिशन उनके गांव के ही पड़ोसी कोरोना वायरस को लेकर कमेंट करते थे। उसी को लेकर आज रंजिश इतना बढ़ गई कि लगभग 12 बजे दबंग पड़ोसियों ने कई लोगों के साथ शीतला प्रसाद मिश्र के घर लाठी डंडा व कुल्हाड़ी लेकर हमला बोल दिया। वहीं पर उनके पुत्र की हो गई मौत और वहीं पर पुलिस प्रशासन को दिए गए सख्त जाँच के निर्देश। ये आप देख रहे हैं सिमरा दर्पण न्यूज रायबरेली बछरामा से बड़ी रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ बताओ कुछ? अब तो ये देखो सब, देखो ये देखो सर, ये देखो कैसे क्या मामला है, कैसे क्या हुआ, कैसे आपके लड़के साथ ही घटना घटी? ऐसा साहब सुन लीजिए, एक तो साहब बगल में इनका ट्यूबवेल बिजली का है। किसका ट्यूबवेल है? इन्हीं जिससे विवाद हुआ। कि नाम बताइए उनका? संजय कुमार वाजपेयी। संजय कहाँ रहते हैं? दुलमपुर। दुलमपुर, आप भी दुलमपुर में रहते हैं? क्या मामला हुआ? तो इनसे कोई सिंचाई नहीं करवाता है, इनकी भाषा हर आदमी को चमरो पसो कहके कहते हैं। हम सिंचाई करते हैं, हमारे बच्चे को जाँच हुई थी कोरोना की, कल डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने कहा शशि तुमको चलना है, तो कहें डॉक्टर साहब हमको कोई कमी नहीं है, हम सही हैं, तो कहें जाओ घर। आज तीनों लोग हैं, तीनों भाई, कहें तुमको जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? तुम्हारा नाम है, लेखपाल को फ़ोन करूँगा। उसी में गाली। झगड़ा किस बात की हुआ, वो बात बताइए। हुआ साहब वही लेखपाल जी के कोरोना की जांच का विवाद हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जान चली गई? हाँ साहब, दरवाजे घेर कर। किस चीज़ से हमला किया उन लोगों ने? लाठी से साहब। लाठी से? आप कहाँ थे? अपने दरवाजे साहब। कितने बच्चे हैं आपके? तीन है साहब। ये जो खत्म हुए इनका क्या नाम है? शशि कुमार। क्या उम्र होगी इनकी? 30 साल। कितने बच्चे इनके? दो बड़े लड़कियां था। इसके पहले कभी उस परिवार से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी या कोई विवाद हुआ? कोई रहने से कुछ नहीं? जी नहीं। मामला कैसे, क्या घटना हुई, किसने मार दिया इनको बताइए? बताओ पूरी बात, पूरी बात बता बिटिया, जाए तो पूरी बात बताओ। पूरी बात बता, इनके बुखार आवा था हल्का फुल्का, आए डॉक्टर लोग बाहर से, उनसे लेन जांच कराई, जांच करा लेन तो कल यहाँ डॉक्टर लोगन का गांव से ले जाए, बस लेके आए रहा, गाड़ी लेके आ रहा इनका लोगन का ले गए। यो कहीं हम जाए देखिए जाए, हमारो नाम रहा वही हुआ से आवाज सूचना कि हाँ शशि मिश्रा नाम रहा, ये गए हुआ गए तो कागहत की हुआ गए तो कहीं कि साहब हमें तो हल्का फुल्का बुखार रहा, डॉक्टर हुआ चेक करें कहीं तुमको नहीं ले जाएंगे, ठीक हो तुम नहीं ले गए, आज गांव निकले बाहर तुमका ले पर लिए नहीं आए का, अबे पकड़े ही हैं, अबे पकड़े ही हैं, कहीं जब पकड़े हैं तब देखा जाए, बस अतन मगर याद ही बहनी बिटिया इनका गाड़ी दे दी बस ये पसम दू जनन ते मारो। किसने मारा इनको, किसने मारा? मनोज वाजपेयी दौड़ा दौड़ा के, कहाँ रहते हैं मनोज वाजपेयी? बगल में घर के बगल में दौड़ा दौड़ा था लाठी लापुर में कुल्हरी मारी इनको, कुल्हरी की मां है सर, कुल्हरी मार दी पूरे घर के अंदर दौड़ा। सर क्या मामला है ये, कैसे? दुलमपुर गांव में शशि मिश्रा थे जिनका मनोज कुमार वाजपेयी कल्लू से जमीन का सिंचाई वगैरह का विवाद था, जिसमें लाठी डंडे चले, जिसमें शशि कुमार मिश्रा की तहरीर मिल रही है, आगे बढ़ रही है। सर किस तरह का विवाद था वो सामने आया? सिंचाई का विवाद था, जमीन का, जमीन संबंधी सिंचाई का।